सोलन में कोरोना संकट के चलते लगाए गए कर्फ्यू के कारण सभी विकास कार्य रुक गए थे। समय के साथ साथ कर्फ्यू में ढील जरूर दी गई है। ढील के चलते अब व्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है। जिला प्रशासन सोलन द्वारा शहर में कई जगह निर्माण कार्य करवाने की अनुमतियां भी प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग ने कुछ विकास कार्यो को भी शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य आरम्भ होने से मजदूर भी जहाँ खुश नजर आ रहे हैं, वहीं काफी समय बाद उन्हें काम का मौका मिला है। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारी प्रमोद आर्य ने बताया कि सोलन में जितने भी कार्य रुके थे उन्हें शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि आज से चले हुए कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए, ताकि नियमों के तहत काम करने को कहा गया है, उसकी अवहेलना कहीं ना हो। ये हमारा ये जो कार्य था, जब से ये कोरोना वायरस की वजह से हमने ये काम बंद किया था, अब ये दोबारा से जैसे गवर्नमेंट के आदेश हुए उसके हिसाब से हमने इसको स्टार्ट करवा दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए। और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मार रोड के कार्य को कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक हमारे जो भी कार्य रुके पड़े थे वो ही हमने अभी फिलहाल स्टार्ट किए हैं। जैसे कि हमारा सर्किट हाउस बिल्डिंग का जो कार्य था वो हमने फिलहाल फेस मैनर में थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया है। और एक एसपी विजिलेंस की बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं हम, वो भी स्टार्ट किया है। साथ में पुलिस लाइन में हम ये पुलिस वालों के जो ऑफिस बिल्डिंग है वो भी हम बना रहे हैं, वो भी रुका पड़ा था, वो भी स्टार्ट कर दिया है कार्य। ये इसका तो टारगेटेड हर वर्क का एक टाइम लिमिट है, उसके बीच में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा जो डिले हुआ है कोरोना वायरस की वजह से उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की ये प्रॉब्लम है कि कुछ लेबर्स उनकी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, वो जब तक नहीं आती है तब तक स्पीड अप में नहीं हो सकता काम। फिलहाल जो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स की लेबर यहाँ अवेलेबल है उन्हीं का ही हम काम करवा रहे हैं। निरीक्षण में हमारा काम सेटिस्फैक्ट्री है, सभी कॉन्ट्रैक्टर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स काम कर रहे हैं।